चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं, हरियाणा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ठीक है ना। सो ये इन सबको हम अब तफ्तीश करेंगे, फिर और राज खुलेगा। अब मोबाइल नंबरों से भी कनेक्टेड क्या बैंक खाते जाएंगे तो दिस विल बी ह्यूज, राइट। सर कुछ ऐसा निकल के आया है अभी तक कितने करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं? जिस तरह से हमने देखा है कि कई करोड़ों का तो हो चुका है, ठीक है। बिकॉज ये आज ये तो ये जो माडो सप्रेंडी है तो धमकी देने की इन्होंने अभी शुरू किया है। पहले तो और माडो सप्रे और ठगी का, मतलब जैसे मतलब लोन का या ये पासवर्ड का, कई फ्रॉड आप जानते ही हैं, कई फ्रॉड करते ही थे, उनमें से भी काफी पैसा इन्होंने ठगी किया ही होगा। कांग्रेस के एक एमएलए कुलदीप वत्स के घर पर भी आए थे कुछ लोग, हाँ जी, क्या इन्हीं के लोग थे सर? इस तफ्तीश में वो नहीं निकला, वो अलग है, वो भी अभी तफ्तीश कर रहे हैं, वो अलग है। सर ये 24 पासबुक जो एक्टिव है, जो जी की है जी, एवरेज रोजाना कितना पैसा की ट्रांजेक्शन इसमें हो रही है लगभग? आप बार बार एक ही सवाल को पूछ रहे हो, इस पर हमने पहुंचे नहीं, वी हैवंट रीच्ड इन दैट। हमने बंदों को पकड़ लिया, कल तक सबको पकड़ लिया, 24 पासबुक है, इसमें बैलेंस क्या है चेक करके आपको बता सकते हैं अभी क्या है, और रोज क्या ट्रांजैक्शन होता रहा। जरूर रोज 30 से 50 हज़ार 60 हज़ार, एक किसी से 30 हज़ार का ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी से 60 हज़ार का हो रहा है, 70 हज़ार हो रहा है। सो यू जस्ट इमेजिन, ये आपको अमाउंट 50-60 हज़ार कम लगता होगा, लेकिन इमेजिन दी एवरी डे ट्रांजेक्शन एंड नंबर ऑफ पासबुक्स जो हमने हमारे हाथ लगे हैं। इन पासबुक्स में 30-40 हज़ार से 60-70 हज़ार तक पर डे का डिपॉजिट है, ये नहीं कि ट्रांजेक्शन है, पर डे का डिपॉजिट हो रहा है। 8-8 दिन के सभी के मिल गए। ये सारी इधर हाई स्कूल है, 10वीं 11वीं ऐसे ही है। वो सामने नहीं आई अभी तक, पूछताछ में नहीं आया। ये कम से कम 2-3 साल से तो ये कर ही रहे हैं, सो जस्ट इमेजिन, एक साल तो इसको यहाँ आके हो चुका है मिडिल ईस्ट कंट्री से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।